हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टनर्स एसएमपी पर। तो आज हम एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। तो ये एक गेमिंग वीडियो होने वाली है गाइस, तो व्लॉग भी हम डालेंगे, व्लॉग कल डाल देंगे, पर ये एक गेमिंग वीडियो है। और फिलहाल यहाँ पर एक बोनस चेस्ट पड़ी है, इसमें से मैं कुछ सामान ले लेता हूँ, वरना तन में तो सारा लूट लेगा। नहीं लूट रहा भाई, मैंने ले लिया है थोड़ा सा सामान, बाकी मैं ऐसे ही फेंक के डाऊँगा, मुझे जरूरत नहीं आई इतने सारे की, वरना मेरी इन्वेंट्री भर जाती है गाइस यार बार बार। तो अभी तो हमने ये वर्ल्ड जस्ट स्टार्ट ही करा है और हमारे पास ये स्टार्टिंग मैप भी है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी हम एक घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, एकदम पूरा सेटअप करेंगे जैसे रियल लाइफ का होता है, रियल लाइफ पर बेस्ड है गेम। जैसे हम रियल लाइफ में पिकैक्स से स्टोन तोड़ते हैं, वो सब हमें खुद ही करना है। जैसे रियल लाइफ में तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग काम होता है, तो अभी हमें खुद ही करना है। तो गाइस यार, जो भी स्टनर्स एसएमपी में नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी पहली वीडियो हमने डाल दी है, वो भी जाकर चैनल पर देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये तन्मय बोल रहा है, ये भी साइड में ही खड़ा है हमारे। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी वुड तोड़ लेते हैं, क्योंकि वुड हमारे बहुत काम आएगी, और वुड तोड़ने के बाद आप सबसे मिलेंगे। गाइस अभी हमने बहुत सारी वुड कलेक्ट कर ली है, अभी हम वुड से प्लैंक्स बनाएंगे। प्लैंक्स बनाने के बाद प्लैंक्स से हम एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे और थोड़ी सी स्टिक्स बना लेंगे। क्राफ्टिंग टेबल की मदद से हम बहुत सारे वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस्ट वेपन होगा पिकैक्स, हमें पिकैक्स लेनी है और इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेना है। और इस समय आप जहाँ भी हैं आपको कुछ नहीं करना, पानी से थोड़ा दूर आ जाना है, यहाँ पर थोड़ी सी डर्ट माइन ऐसे करनी है, डर्ट तोड़ लेनी है जब तक कुछ पत्थर जैसा नहीं हो जाता। और ये पत्थर आने के बाद आपने अपनी पिकैक्स निकालनी है और पिकैक्स से ये पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कर देना है। और इस पत्थर से आपको मिलेगा कोबलस्टोन। कोबलस्टोन से हम वेपन्स बना सकते हैं, जैसे हमने स्टोन के वेपन्स बनाए थे। अभी हमने इनफ वुड कलेक्ट कर लिया है, अभी हम वापस ऊपर चलते हैं यहाँ से। कोबलस्टोन, गलती से वुड बोल दिया मैंने, इनफ कोबलस्टोन है अब हमारे पास। अभी मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल खोलता हूँ और इसमें से हम कोबलस्टोन के वेपन्स बना लेते हैं, जैसे स्वॉर्ड, एक्स और एक पिकैक्स भी बना लेते हैं, मेरी पिकैक्स टूट गई थी, और एक शवल। तो इतने वेपन्स बनाने के बाद आपको अपनी इन्वेंटरी में इन्हें सेट कर लेना है ऐसे। टॉर्चेस को पीछे करते हैं, फ्लावर की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये वेपन सेट कर लिया मैंने इन्वेंटरी में। सेट करने के बाद अब ये जो हमें एक्स मिली है ना, इससे हम वुड को बड़ी स्पीड में तोड़ पाएंगे। जैसे हाथ से हमें बहुत टाइम लग रहा था, अभी हम वुड तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम बड़ी ही स्पीड में वुड को तोड़ पाएंगे। तो अभी हम वुड तोड़ते हैं फटाफट से, थोड़ी और जल्दी से तोड़ते हैं और जल्दी से आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर थोड़ी सी सैंड है, अभी मैं सैंड भी तोड़ूंगा, पर मुझे यहाँ पर एक शीप दिखी है, हमें शीप्स को मारना होगा तभी हम एक बेड बना पाएंगे और उससे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करा पाएंगे। तो मैंने शीप को मार दिया, अभी ऐसे हमें दो शीप और मारनी पड़ेंगी, पर ये ब्लैक कलर की शीप थी और मुझे वाइट कलर की शीप मारनी होगी, क्योंकि ब्लैक कलर की थोड़ी सी रेयर होती है, वाइट वाली शीप आसानी से मिल जाती है। तो वाइट जितनी मारोगे उतना आप पे वाइट कलर का वूल आएगा, और जितना वूल आएगा आप तीन वूल से एक बेड बना लोगे। तो अभी के लिए ना हमें सैंड थोड़ी सी तोड़ लेते हैं, यहाँ पर सैंड से ना हम ग्लास बना सकते हैं, ग्लास से फिर हम अपना घर बना सकते हैं। तो हम सैंड तोड़ते हैं और बड़ा स्टाइलिश सा ग्लास यहाँ पर हमें सैंड से पका कर मिलेगा। पकाने के लिए हम इन लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आपको समझाएंगे फर्नेस में हम कैसे पका सकते हैं। अभी के लिए हम थोड़ी सी सैंड तोड़ लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने इनफ सैंड कलेक्ट कर लिया है, अभी सैंड हमने कलेक्ट कर लिया, और सैंड को पकाने के लिए हमें एक फर्नेस बनानी होगी, और फर्नेस बनाने के लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल लेना होगा एक और। मेरा पुराना क्राफ्टिंग टेबल तो तन मैंने पता नहीं कहाँ फेंकाया, तो अभी इस क्राफ्टिंग टेबल से हम बना लेते हैं फर्नेस, और इस फर्नेस को यहाँ पर प्लेस करते हैं। फर्नेस को प्लेस करने के बाद हम इस वुड को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो ओक लोग हैं हम इसे पका कर चारकोल ले सकते हैं। तो अभी हम चारकोल ले लेते हैं, और चारकोल लेने के बाद बाकी का काम करते हैं। तो गाइस अभी हमने बहुत सारा चारकोल इकट्ठा कर लिया है,
अब इस चारकोल को हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पर हम सैंड रखते हैं और यहाँ पर ग्लास बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ले आ भाई ले आ, क्रीपर ला के तू यहाँ पर फोड़ेगा और फिर देख ले तेरा भी जाएगा मेरा भी जाएगा सामान। अच्छा यार तू भी तो फूटेगा ना, अभी हमें खाने की भी ज़रूरत है, हमारे पास खाने की बंदे को पीछे ला रहा हूं। कमी है। और यहाँ पर एक स्लाइम है, स्लाइम एक मॉन्स्टर है इस गेम का और अभी तन्मय के बहुत गंदे बजाएंगे ये लोग। हेल्प चाहिए क्या? नो। कलेक्ट करने ही आ रहे हैं ना? हाँ कलेक्ट करने की हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तेरे पास कितने स्लाइम हैं? बता। मेरे पे जितनी है मेरे पे बहुत है तन्मय अभी। हाँ तो भी मैंने तन्मय की कलेक्ट करने में हेल्प कर दी है। तो भी हमारा ग्लास पक रहा है, इस ग्लास को पकने देते हैं और पकने के बाद बहुत कम है। करते हैं बाकी का काम। तो गाइस अभी ये पक ही रहा है और हमारा बहुत काम रहता है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी नीचे जाकर माइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक केव भी है पर इस केव में नहीं जाएंगे हम, नीचे जाकर कोबल स्टोन की माइनिंग करते हैं, अभी इतना कुछ जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम नीचे जाके बस एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं कोबल स्टोन का, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी मैंने इनफ माइन कर लिया है, अभी मैं ऊपर जाता हूँ और तन्मय को एक स्केलेटन मार रहा है। अच्छा है यार, क्या है यार, तू हेल्प ही नहीं करवा सकता? अरे मैं खुद स्केलेटन से भाग रहा था, अभी मुझे डर लगता है ना गाइस, तो टाइम आएगा स्केलेटन को भी मारेंगे, पर अभी डर लगता है गाइस स्केलेटन। तो यहाँ पर अभी भी हमारा ग्लास पक रहा है, क्यों तन्मय फालतू में बोली जा रहा है, यहाँ पर अभी भी ग्लास पक रहा है, तो ग्लास पकने का इंतज़ार है बस, उसके बाद हम घर बनाना स्टार्ट करेंगे। और गाइस हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें कि हम घर अंडरग्राउंड में जाकर बनाएं या फिर यहीं ऊपर बनाएं। ऊपर घर अभी के लिए तो अच्छा लगेगा, पर अभी हमें जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम घर बना सकें। और सबसे पहले मुझे बेड बनाना पड़ेगा दूर जाने के लिए, क्योंकि वरना अगर कितनी वूल है? मेरे पास तो अभी एक ही वूल है गाइस, तन्मय के पास भी एक वूल है और अभी मेरे पास खाने की भी कमी है। मैं जब सुबह उठूंगा मैं बहुत सारा खाना ढूंढूंगा यहाँ से। तन्मय के पास थोड़ा खाना है। अरे तन्मय नीचे क्यों गिर रहा है, हाथ में देना, मैं नीचे गिर रहा हूँ, खाना नहीं खाता। तो गाइस तन्मय ने थोड़ा फूड दे दिया है, अभी इसे पकाना मुश्किल होगा, पका लेते हैं पहले इस फूड को, पकाने के बाद ही काम आएगा ये फूड अच्छे से। तो अभी मैं ये मटन पका लेता हूँ, ग्लास को बाहर निकालते हैं, फिर इसको खा कर हम अपनी हेल्थ पूरी करेंगे। यहाँ से ज़ॉम्बी आ गया और मेरे पे दो हार्ट्स बचे हैं बस, अभी मैं मरते मरते बचाऊँगा यार इस गेम में, पर हम बच गए हैं। तो इस ज़ॉम्बी से हमें रोटन फ्लैश मिला है जो हम खा सकते हैं, इससे हमारे ऊपर ये अफेक्ट आ जाता है, आगे मॉब्स ही मॉब्स हैं, हेल्थ का अफेक्ट आ जाता है, पर आगे मॉब्स बहुत हैं, पर हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो अभी गाइस बस हमें सुबह होने का वेट करना है, उसके बाद बाकी का काम होगा। अभी मैं फटाफट से खाना खाता हूँ। और क्या कर दो गाइस, अभी मैंने थर्ड पर्सन बैक में मोड को शिफ्ट कर लिया है, हम थोड़ी सी वुड तोड़ेंगे आज। मैं भी कर लेता हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें वुड तोड़नी है और ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होगा वुड तोड़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टनर्स SMP हमने इस वर्ल्ड का नाम रखा है। तो गाइस स्टनर्स SMP को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो गाइस अभी हम वुड तोड़ रहे हैं, तो अभी हम सुबह बात करेंगे बाकी की, क्योंकि अभी मैं इसमें फटाफट से सामान रखवा देता हूँ सैंड, और उसके बाद फटाफट से इससे ग्लास बना लेते हैं और घर बनाएंगे सुबह उठ के। तो गाइस आप हमें आइडियाज़ दें कैसा घर होना चाहिए हमारा। अभी तो हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए गाइस प्लीज़ इस स्पाइडर की। अगर ये तन्मय स्पाइडर को मारता है अगर ये तन्मय, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये अभी अच्छी फाइट हो रही है, अच्छी फाइट हो रही है, और ये तन्मय जीत गया है।
तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी करिए कि कैसा घर होना चाहिए हमारा। अगले वीडियो में जब हम आएंगे हम एक अच्छी सी जगह ढूंढ कर रखेंगे जिसमें हमारा घर होएगा। एक कार्तिक को मारो भाई। और ये तन्मय मुझे मार रहा है पर मैं नहीं मारूंगा। तो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं।